हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में पढ़ेंगे पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स के बारे में। ये जो पार्टनरशिप फर्म्स हैं, इन्हें कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन। इन सभी पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोस में, और उनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें भी सॉल्व करेंगे। बट आज इस वीडियो में कुछ थ्योरी पोर्शन है पार्टनरशिप से रिलेटेड, उसे देखेंगे कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या होती है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनर्स जो होते हैं उनके क्या अपने राइट्स हैं, और क्या पार्टनरशिप के इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। सो अगर मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊँगी, सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। सो स्टार्ट करेंगे आज का ये वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो पार्टनरशिप फॉर्म्स है ये क्रिएट कैसे हुई? होता क्या था कि जो सोल ट्रेड बिजनेस होता था उसमें एक अकेला बंदा उस सोल ट्रेड बिजनेस को अकेले चलाते थे, और उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता था। अकेले होने की वजह से उनकी जो लाइबिलिटीज़ होती थी वो अनलिमिटेड होती थी, और लिमिटेड प्रॉफिट होता था, और जो भी लॉस होता था उनके बिज़नेस में वो उन्हें अकेले ही रिकवर करने की कोशिश करनी पड़ती थी। सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थे जिस वजह से पार्टनरशिप क्रिएट हुई। सो पार्टनरशिप में हुआ क्या कि जो उस पार्टनरशिप फॉर्म में दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में मिले, और उन्हें डिसाइड किया कि वो मिल करके बिज़नेस स्टार्ट करेंगे और उस बिज़नेस को मिल के चलाएँगे और प्रॉफिट अर्न करेंगे। ठीक है, सो जो भी उनकी लाइबिलिटीज़ होंगी, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा बिज़नेस में, वो लोग आपस में मिलकर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सोल ट्रेड में ये चीज़ थी नहीं, सब कुछ अकेले एक बंदे को करना पड़ता था, जिस वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी। सो पार्टनरशिप फर्म्स की आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन। सो देखते हैं कि पार्टनरशिप फर्म होती क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। पार्टनरशिप इज़ अ रिलेशन ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फेथ बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। सो जो पार्टनरशिप फर्म है वो दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में एक रिलेशनशिप है, जो एक दूसरे पे इजीली यकीन कर सकें, विश्वास कर सकें कि उन्हें एक पार्टनरशिप फर्म में साथ में होना चाहिए, और उन्हें फर्म क्रिएट करनी चाहिए, पार्टनरशिप फर्म क्रिएट करनी चाहिए बिज़नेस के लिए, और उन्हें साथ में मिलकर उसे चलाना चाहिए। सो ये तभी मुमकिन है जब वो एक दूसरे पर आसानी से भरोसा कर पाएंगे कि जो भी बंदे उनके साथ हैं वो ईमानदारी के साथ उनके बिज़नेस को चलाने में उनकी हेल्प करेंगे। ठीक है, सो पार्टनरशिप ये होती है। डेफिनेशन देख लेते हैं पार्टनरशिप की। सो जो भी स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली जो ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स हैं, वो डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप को बहुत ध्यान से देखेंगे। जो भी ये सेक्शन दिया, जिस सेक्शन के अंदर ये डेफिनेशन दी गई है, एंड जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, उसे याद रखिएगा, इस डेफिनेशन को याद रखिएगा, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है, जो आपके शॉर्ट या वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चंस बनते हैं उसमें पूछ सकता है, जो चार या दो नंबर के या चार नंबर के जो क्वेश्चंस आते हैं वो या तो आपसे सेक्शन पूछ सकते हैं, इंडियन अकाउंट ये पार्टनरशिप एक्ट पूछ सकते हैं, या फिर ये पूरी डेफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, सो प्लीज़ इसे ध्यान से देखिएगा और याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। एंड जो पार्टनरशिप फर्म, जो ये जो पूरा चैप्टर है, जो इसके टॉपिक्स हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका ये पार्टनरशिप है, इसमें से कम दो से तीन क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, और जो बहुत ज़्यादा मार्क्स कैरी करते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसे हम ध्यान से पढ़ेंगे और हर टॉपिक को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। सो डेफिनेशन देखते हैं पार्टनरशिप की, क्या डेफिनेशन होती है। सो सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सो इस एक्ट को, इस सेक्शन 4 को याद रखिएगा। आप डेफिनेशन देख लेंगे। पार्टनरशिप इज़ अ रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, सो ये डेफिनेशन थी पार्टनरशिप की। मीनिंग देख लेते हैं इसकी। जो पार्टनरशिप फॉर्म होती है वो लोगों के बीच में एक रिलेशनशिप होता है, जो इस बात के लिए सहमत होते हैं कि बिज़नेस में जो भी प्रॉफिट होगा उसे वो आपस में शेयर करेंगे, और जो बिजनेस है वो उन सबके द्वारा चलाया जाएगा या उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जाएगा। मींस पार्टनर्स उसमें दो या दो से ज़्यादा ही होंगे, बट या तो वो सब मिलकर चलाएंगे या उनमें से कोई एक जो पार्टनर है वो मेन लीड रोल में काम करेंगे। ठीक है, सो ये यहाँ पे इस सेंटेंस की मीनिंग थी, होप आपको समझ में आ गया होगा। सो कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप के देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल है टू और मोर पर्सन्स। कभी भी कोई भी पार्टनरशिप तभी क्रिएट होगी जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में मिलेंगे। एग्रीमेंट, वो जो लोग आपस में मिलकर बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं, बिज़नेस तभी स्टार्ट होगा जब उनके बीच में उस बिज़नेस से लेकर बिज़नेस को लेकर के कोई एग्रीमेंट किया गया होगा, उनके बीच हुआ होगा। थर्ड पॉइंट है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव।
एंड जो भी आपकी जो पार्टनर जिस जो दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में मिले हैं, जो पार्टनर्स बने हैं, पार्टनरशिप फर्म तभी चल पाएगी जब उसमें कोई बिजनेस होगा। बिजनेस मीन्स किसी भी प्रोडक्ट की सेलिंग एंड परचेजिंग होगी, ठीक है। सो बिजनेस का होना इंपॉर्टेंट है, और जो भी बिजनेस होगा उनका मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट अर्न करना, क्लियर ना। सो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा वो लोग उसे आपस में शेयर करेंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, प्रॉफिट हो या लॉस दोनों को शेयर करेंगे। होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लायबिलिटी। जितने भी पार्टनर होंगे बिजनेस में उनके लिए एक कुछ लायबिलिटीज़ डिसाइड होंगी, और उन लायबिलिटीज़ को कंप्लीट करना इम्पॉर्टेंट होगा। म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फेथ, बता चुके हैं कि जो भी पार्टनर होंगे एक दूसरे पर ट्रस्ट करना उन्हें एक दूसरे पर ट्रस्ट करना होगा बिजनेस अगर लंबे समय तक चलाना है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई ऐसा बंदा है, मतलब पार्टनर्स जो हैं बिजनेस के, उसमें से एक पार्टनर आउट ऑफ स्टेशन है, कहीं बाहर गए हुए हैं, उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, सो उस केस में जो वहाँ पे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं बिजनेस में प्रेजेंट हैं वहाँ पे, वो अपने बिजनेस को लेकर के, पार्टनरशिप फॉर्म को लेकर के कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं, और जो बाहर गया हुआ पार्टनर है वो वापस आने पर उन पार्टनर्स को उनके डिसीजन के लिए ब्लेम नहीं कर सकते। मीन्स इतनी अंडरस्टैंडिंग उन पार्टनर्स के बीच में तो होनी ही चाहिए, ताकि एक पार्टनर अब्सेंट है तो उनके गैर हाजिरी में वो लोग बिजनेस को लेकर एक अच्छा डिसीजन ले सके, ठीक है ना। और जो दूसरा बंदा उससे एग्री करे उनके डिसीजन से। नेक्स्ट है बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सो जो बिजनेस है वो उन सबके द्वारा चलाया जाएगा या उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जाएगा, ठीक है। फिर है लीगल रिक्वायरमेंट। सो जो लीगल रिक्वायरमेंट, जो भी बिजनेस होगा उसमें लीगल जो भी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए ना बिजनेस की, वो लीगल होनी चाहिए, इलीगल नहीं होनी चाहिए। अब देखेंगे पार्टनरशिप डीड क्या होती है। सो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ये भी टर्म है। जो भी पार्टनरशिप फर्म है वहाँ पे पार्टनरशिप डीड की ज़रूरत महसूस होती है, और हर पार्टनरशिप फर्म को बनवाना ही चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है बट बनी होगी तो बहुत अच्छा होता है। सो देखते हैं पार्टनरशिप डीड होती क्या है। पार्टनरशिप डीड इज इसेंशियल दैट हैव मस्ट बी सम टर्म्स एंड कंडीशंस एग्रीड अपॉन बाय ऑल द पार्टनर्स। सच टर्म्स एंड कंडीशंस मे बी आइदर ओरल और रिटन। इट इज़ ऑलवेज द बेस्ट कोर्स टू हैव अ रिटन एग्रीमेंट ड्यूली साइन एंड रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट, ठीक है। सो जो भी पार्टनरशिप डीड है ना बनाना इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए, क्योंकि जो पार्टनरशिप डीड होती है उसमें बिजनेस से रिलेटेड जो पार्टनरशिप फॉर्म है उसके रिगार्डिंग कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दिए होते हैं, और उन टर्म्स एंड कंडीशंस को सभी पार्टनर्स एग्री करते हैं कि हाँ इन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस को बिजनेस में फॉलो किया जाएगा, ठीक है। सो जो ये पार्टनरशिप डीड होती है ये ओरल फॉर्म में भी हो सकती है और रिटन में भी हो सकती है। सो ओरल में जो होती होगी वो उतनी ज़्यादा उनके लिए बेहतर नहीं होगी बिजनेस के लिए, और जो रिटन फॉर्म में होती है पार्टनरशिप डीड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो बेस्ट होता है बिजनेस के लिए। इन फ्यूचर कोई भी अगर प्रॉब्लम हो जाती है या फिर पार्टनर्स के बीच में ऐसी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है, तो उस रिटन डॉक्यूमेंट या रिटन पार्टनरशिप डीड से उसे दूर किया जा सकता है, ठीक है ना। सो रिटन जो पार्टनरशिप डीड होती है वो बेस्ट होती है, और जो पार्टनरशिप डीड होती है, जो ये एग्रीमेंट होता है वो साइन होता है एंड रजिस्टर्ड होता है, जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसके अकॉर्डिंग। होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। सच अ रिटन डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। इसे हम कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं, एंड हिंदी में इसे साझेदारी संलेख बोलते हैं। होप आपको समझ में आ गए होंगे सारे पॉइंट्स। एंड जो भी ये पार्टनरशिप डीड होती है, जो भी एक एग्रीमेंट होता है ना, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं रिटन फॉर्म में होता है, जब भी वो रजिस्टर्ड होता है हमारे पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग, सो उसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। सो पार्टनरशिप डीड में कुछ जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हुए हैं उसे हम देखेंगे कि क्या हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फॉर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। सो जो भी पार्टनरशिप फॉर्म क्रिएट हुई है, ठीक है ना, इस्टेब्लिश की गई है, वो पर्टिकुलर किस प्लेस पे है, कहाँ पे, उसका एक पर्टिकुलर क्या नाम है, एंड जो भी पार्टनर्स हैं उनके क्या नाम है एंड उनके क्या एड्रेस हैं, ठीक है ना, कि उनका रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है, कहाँ पे है, और वो फॉर्म कहाँ पे सिचुएटेड है,
उन मतलब फर्म का एंड पार्टनर्स का, दोनों का नेम एंड एड्रेस उस पार्टनरशिप डीड में डिटेल में दिया होता है। थर्ड है अमाउंट ऑफ कैपिटल। अमाउंट ऑफ कैपिटल मीन्स जो भी पार्टनर्स उन्होंने कितनी कैपिटल अपने पार्टनरशिप फर्म में लगाई हुई है, ठीक है ना। सो वो पूरे उनके जो भी पर पार्टनर उनकी कैपिटल ऑफ अमाउंट वहाँ पे मेंशन होता है, ठीक है ना, कि वो उन्होंने कितनी अमाउंट ऑफ कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट की है, अपने बिजनेस में कॉन्ट्रीब्यूट किया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एंड जो भी उन्होंने कैपिटल बिजनेस में कॉन्ट्रीब्यूट की है ना, जो बिजनेस में लगाई है, लगाया है उन्होंने पैसा, इन्वेस्ट किया है, क्या उन्हें उस कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट दिया जाएगा या नहीं, और अगर दिया जाएगा तो किस रेट से दिया जाएगा, ये भी मेंशन होता है। ड्राइंग्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं कि ड्राइंग्स क्या है। सो ड्राइंग्स, जब भी आप बिजनेस है ना अपने सेल्फ यूज़ के लिए पैसा निकालते हैं तो उसे ड्राइंग्स कहते हैं। सो पार्टनरशिप फर्म में जब कोई पार्टनर बिजनेस से पैसा निकालता है अपने यूज़ के लिए, सो वहाँ पर वो ड्राइंग्स कहलाता है, और उनकी जो पार्टनरशिप डीड है उसमें ये दिया रहता है कि किस पार्टनर को कितना अमाउंट विड्रॉ करने की उनकी क्या लिमिट है, कितना अमाउंट वो विड्रॉ कर सकते हैं मैक्सिमम पार्टनरशिप बिजनेस से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड लोन, और जो भी उन्होंने इंटरेस्ट जो भी उन्होंने ड्राइंग बिजनेस से अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं उस पर क्या इंटरेस्ट देना है या नहीं, और देना है तो कितना देना है, किस रेट से देना है, और जो भी लोन है उस लोन पर क्या इंटरेस्ट रेट है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एंड जो भी उन्हें बिजनेस में प्रॉफिट होगा वो उसे किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैपिटल रेशियो होगा, इक्वली होगा, क्या होगा, वो वहाँ पे मेंशन होता है, ठीक है। सैलरी एंड कमीशन, जो भी पार्टनर्स बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, उस बिजनेस को चलाने के लिए उन्हें कोई कमीशन या सैलरी पे होगी या नहीं होगी, ये भी डिटेल दी होती है वहाँ पे। गुडविल, फर्म या पार्टनर की जो गुडविल है वो किस तरह से कैलकुलेट की जाएगी, किस मेथड से कैलकुलेट की जाएगी, ये भी वहाँ पे दिया होता है। गुडविल के कई सारे कैलकुलेशन के मेथड हैं अपने अलग से, उसे हम वीडियोस में देखेंगे बाद में। अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, एंड जो भी आपका जो फर्म है ना पार्टनरशिप फर्म, उसके जो अकाउंट्स है वो किस उसका पीरियड क्या होगा, वो किस तरह से प्रिपेयर होंगे अकाउंट्स, मीन्स हाफ ईयरली होंगे या ईयरली होंगे, ये भी मेंशन होता है वहाँ पे। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फर्म्स अकाउंट्स, एंड जो भी फर्म्स के जो अकाउंट्स बुक है वो किस तरह से बनाए जाएंगे, प्रिपेयर की जाएंगे, किस मेथड से बनाए जाएंगे, उनका जो रिकॉर्ड है वो किस तरह से रखा जाएगा, ये भी दिया होता है। ऑडिटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं ऑडिटिंग क्या है। ऑडिटिंग मीन्स होता है जो भी बिजनेस के अकाउंट्स होते हैं ना उसको चेक करना, उसको वेरीफाई करना। ये काम करता कौन है, एक ऑडिटर करता है, जिन्हें अकाउंट्स के सभी रूल्स रेगुलेशन एंड जो भी उनमें कंडीशन एंड टर्म्स होते हैं ना उन्हें उनकी पूरी नॉलेज होती है, ये काम वो बंदे करते हैं, ठीक है। सो जो ऑडिटर काम ये करते हैं उन्हें ऑडिटर कहते हैं, और ये जो प्रोसेस होता है उसे ऑडिटिंग कहते हैं, ठीक है। सो इसके लिए भी जो भी प्रोसेस होता है वो पार्टनरशिप डीड में उसकी डिटेल दी होती है। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, आपकी पार्टनरशिप किस डेट को स्टार्ट हुई है, ठीक है। सो वो भी स्टार्टिंग डेट भी दी होती है। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, जो भी पार्टनरशिप है वो कब तक चलेगी, कितने टाइम तक चल सकती है, मीन्स उसकी मतलब मैक्सिमम लिमिट क्या होगी, जैसे कि मैक्सिमम टाइम लिमिट मान लीजिए 10 साल हो सकती है, 20 साल हो सकती है, वो सब दिया रहता है। यूज़ ऑफ द डिसीजन ऑफ गार्नर वर्सेस मरे रूल, सो जो भी ये जो गार्नर वर्सेस जो मरे रूल है, ये तीन पार्टनर्स थे उनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी, इसलिए ये रूल वहाँ पे बन गया था, और ये इन रूल को फॉलो करना है पार्टनरशिप में या नहीं, वो भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है। ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट्स, अब जो भी अकाउंट्स है बिजनेस से रिलेटेड, क्या वो पार्टनरशिप फर्म के नाम से ओपन होंगे या जो पार्टनर्स हैं उनके पर्टिकुलर नेम से ओपन होंगे, ठीक है। सो ये भी डिटेल वहाँ पे होती है। रूल्स रिगार्डिंग एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ, किन रूल्स को फॉलो किया जाएगा एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ के टाइम, ठीक है ना। या एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के रिगार्डिंग क्या रूल्स हैं जिन्हें फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, फर्म जो होती है वो कभी कभी डिसॉल्व हो जाती है, मीन्स उसका दिवालिया हो जाता है, जैसे उसकी लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं, एसेट्स कम हो जाती है, मीन्स लॉस में चली जाती है जब फर्म, सो उस केस में वो डिसॉल्व हो जाती है, तो उस डिसोल्यूशन का सेटलमेंट किस तरह से किया जाएगा, इसकी पूरी डिटेल पार्टनरशिप डीड में दी होती है। एंड जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, सो वो जो पॉइंट्स है ना वो थे पार्टनरशिप डीड के केस में, जब पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप डीड बनी होती है सो उन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है, बट जब पार्टनरशिप डीड बिजनेस में नहीं बनी होती है तब किन रूल्स को अप्लाई किया जाएगा वो देखते हैं। रूल्स एप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है, जब ये पार्टनरशिप डीड बिजनेस में नहीं बनी होगी सो किन रूल्स को फॉलो करना होगा, किन कंडीशंस को फॉलो करना होगा। प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड इक्वली, सो जो भी पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस में लॉस या प्रॉफिट होगा उसे पार्टनर्स आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है।
नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड टू दी पार्टनर्स. सो जो भी उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया बिजनेस में पार्टनर्स ने, उनके कैपिटल पर उन्हें कोई इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा. नो इंटरेस्ट इज़ टू बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स एंड जो भी पार्टनर बिजनेस से अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं सेल्फ यूज़ के लिए, उस अमाउंट पर उन्हें कोई भी इंटरेस्ट फर्म को पे नहीं किया जाएगा. फर्म उन पर चार्ज नहीं करेगी इंटरेस्ट. एंड नो इंटरेस्ट इज़ टू बी चार्ज, सॉरी, नो पार्टनर इज़ इंटाइटल टू एनी सैलरी और कमीशन. एंड जो भी पार्टनर्स हैं जो बिजनेस में काम कर रहे हैं, उन्हें कोई भी किसी भी तरह की कोई सैलरी और कमीशन पे नहीं किया जाएगा उनके काम के लिए, इन केस ऑफ अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इज़ टू बी अलाउड ऑन अ पार्टनर्स लोन टू दी फर्म. सो जो भी पार्टनर्स फर्म से लोन उठाएंगे, उनको उस पे 6% के रेट से इंटरेस्ट चुकाना होगा. ठीक है, सो ये याद रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इन द केस ऑफ अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, 6% इंटरेस्ट ऑन लोन. विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, सॉरी, विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड टू द फर्म. सो जो भी आपकी फर्म है उसमें कोई भी नया पार्टनर तब तक एडमिट नहीं हो पाएगा जब तक आपके पुराने पार्टनर्स आपस में एक दूसरे से सहमत नहीं हो जाते कि किसी नए बंदे को बिजनेस में लाना है या नहीं लाना है. ठीक है, सो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा. ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस. एंड जो भी पार्टनर्स हैं, वो जो भी बिजनेस है ना, पार्टनरशिप बिजनेस, उसको चलाने में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मीन्स उसे आगे ले जा सकते हैं, मिलकर चला सकते हैं. ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ फर्म एंड कैन टेक अ कॉपी ऑफ द सेम. सो जो भी पार्टनरशिप फॉर्म की जो अकाउंट्स बुक है ना, उसको वो लोग चेक कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसकी कॉपी अपने पास रख सकते हैं. ठीक है, सो उन्हें जो भी फॉर्म की जो बुक्स होती हैं, अकाउंट्स होता है, उन्हें चेक करने का राइट्स होता है. सो ये कुछ पॉइंट्स है बिजनेस के, पार्टनरशिप फॉर्म बिजनेस के, जो इम्पॉर्टेंट हैं जानना कि पार्टनरशिप फॉर्म क्या है एंड उसके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होते हैं पार्टनर्स के लिए. सो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे. सो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच.